रीवा मध्य प्रदेश में अमृत वेला ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा रीवा में रोज 500 से 1000 गरीब परिवारों को भोजन वितरण करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, पूरा भारत को प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी कड़ी में रोज सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। वहीं आज अमृत वेला ट्रस्ट द्वारा सिरमौरा चौराहा में गरीब परिवारों को भोजन वितरण किया गया। भोजन के साथ साथ यह गरीब परिवारों को चाय नाश्ता भी उपलब्ध करवाते हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक लॉकडाउन पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग यह सुविधा उपलब्ध करवाते रहेंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। संस्था ऐसी और किस तरह का आप भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों को? धन गुरु नानक, ये हमारी संस्था अमृत वेला ट्रस्ट रीवा की है। हमारी हेड ब्रांच जो है उल्लास नगर में है और अमरावती में है। हजारों लोगों को डेली खाना खिलाया जाता है। अमरावती और उल्लास नगर में तो तीनों टाइम 10-10 हज़ार लोगों का खाना बनता है। और जो ये हमारी संस्था है, निस्वार्थ सेवा करती है, सुबह शाम गरीबों के लिए सेवा में लगी हुई है। रीवा में 500 से 1000 लोगों को डेली खाना खिलाया जाता है। हमारे जो भाई साहब हैं गुरप्रीत सिंह रिंकू वीर जी, उनकी प्रेरणा से ये कार्य जो है सेवा हो रही है। बाकी तक लोकल में तो हमने कोई भी लोकेशन नहीं छोड़ी है। रतहरा हो गया, चाहे बाईपास रिंग रोड हो गया, डेली हमारी 22 दिन से अभी सेवा चल रही है। हम लोगों ने अभी तक कोई भी ऐसा स्थान नहीं छोड़ा हो जहां कोई गरीब भूखा रह गया हो। हमारी संस्था सभी को पहुंचाने की पूरा प्रयास कर रही है। हमारा जो रीवा का ग्रुप बना हुआ है नीड हेल्प कंट्रोल रूम से, पहले लोकेशन वहाँ भी आती है, वहाँ भी हम लोग बिल्कुल फोकस करते हैं। सभी संस्थाएं मिलके बहुत काम कर रही हैं। सब नाम बताओ। मेरा नाम मुकेश वाधवानी है।